नमस्कार, आप देख रहे हैं F&O हॉटलाइन, एक लाइव कॉलर शो जिसमें आप बाजार पे अगर कोई भी पोजीशन लेना चाहते हो तब भी, या फिर कोई पोजीशन हो तो भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको एनालिसिस प्रॉपर जानकारी देंगे और टेक्निकल रूप से इसमें आपके शेयरों के ऊपर आपको क्या कॉल लेनी चाहिए उस पर बात करने के लिए राजेश पलविया साहब हमारे साथ ज्वाइन होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज से। लेकिन मार्केट्स पे आज मोमेंटम है, अभी भी 0.1% के आसपास की तेजी के साथ निफ्टी 10,338 के जोन पे है, 86 पॉइंट्स की मजबूत बढ़त। सोमवार का सत्र बहुत अहम होने वाला है क्योंकि गुजरात इलेक्शंस का आउटकम आ जाएगा। लेकिन आज ये एग्जिट पोल्स में जो आउटकम आया जिसमें बीजेपी को बहुमत मिलने की बात है, उसका एक क्लियर कट इंपैक्ट पड़ गया इंडियन मार्केट्स पे। आज अगर आप ट्रेड देखें क्या हो रहा है मार्केट पे, ये शॉर्ट कवरिंग है जो मार्केट को इन लेवल्स तक ले आई है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो अभी अभी चले हैं उसमें SRF ये दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचा, एक स्मार्ट मूव है, दिन के उच्चतम स्तर पे 3.5% के आसपास की बढ़त है। दूसरा एक और स्टॉक देखिए M&M फाइनेंशियल, इस स्टॉक पे भी अब दिन के उच्चतम स्तर पे काम होना शुरू हो गया, 2.5% के आसपास की तेजी स्टॉक पे देखने को मिल रही है। और टायर सेक्टर, तमाम स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक अगर आज पोर्टफोलियो में होता तो वो आज पॉजिटिव रिटर्न देता। अपोलो टायर इस स्टॉक पे दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड हो रहा है। सीएट, MRF, ये कुछ से स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेडर्स चेज कर रहे हैं। 3% से 5.5% की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है और इनमें से सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स मिले हैं ना, वो एक ऐसे स्टॉक में जो डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा नहीं है, जेके टायर, आज 9% की मजबूती जेके टायर में देखने को मिल रही है। मेरे साथ राजेश पलविया साहब इस समय मौजूद है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है सर। ये बताइए आप एक्सिस सिक्योरिटीज का व्यू क्या है और ये मंडे की तैयारी कैसे कर रहे हैं, कोई निफ्टी पे ट्रेड या फिर कोई ऑप्शन के जरिए ट्रेड समझा दीजिए जहां से अच्छा पैसा बन सकता हो। जी रजत जी, देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है जो है डेरिवेटिव का, हम जो डेटा अगर एनालिसिस करें तो 10,500 एक बहुत मजबूत लेवल है जो कि लगता नहीं कि इजीली यहां से टूट पाएगा। तो मुझे लगता है कि यहां से 10,500 के आसपास वापस एक सेलिंग बनेगी, तो मंडे को जब आउटकम आएगा इलेक्शन का, तो मुझे लगता है 10,500 के आसपास मार्केट एक बार कोशिश जरूर करेगा वहां तक जाने की, बट उसको तोड़ने के लिए बहुत सारा कुछ एक्शन चाहिए मार्केट में उसको तोड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस 10,500 एक मेजर हर्डल रहेगा। यहाँ से एक मूव हमें जरूर एक्सपेक्ट करना चाहिए, यहाँ से 10,450 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले आज और मंडे के ओपनिंग ट्रेड में। तो यहाँ से हम 10,330 के आसपास अभी निफ्टी चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ से एक बाय पोजीशन बननी चाहिए, 10,290 का स्टॉप लॉस यहाँ से अडॉप्ट करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, और ऊपर मेरा टारगेट होगा 10,420-10,440 का। अच्छा सर, वो फिर से मैं बात दोहराऊंगा, अपना सवाल दोहराऊंगा, कोई ऑप्शंस के जरिए कोई ट्रेड समझ में आ रहा है, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो या फिर निफ्टी ऑप्शन, क्योंकि कम प्रीमियम पे अगर हम पे कर लेते हैं प्रीमियम तो मार्केट जिस तरफ भी चल जाए कोई बात नहीं, सिर्फ लॉस होगा प्रीमियम का, अच्छा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस कहीं ज्यादा हो वो बता दीजिए। जी ऑप्शन में मुझे एक HDFC बैंक का ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से HDFC बैंक में अगर हम देखें तो जिस तरीके का इसमें मूव देखने को मिला है और जिस तरीके का कॉल एडिशन हमें 1900 के लेवल पे देखने को मिला है, तो एक लॉन्ग बिल्टअप का पोजीशन बना है HDFC में, तो मैं 1900 का कॉल यहाँ से रिकमेंड करूंगा, करीब 18 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सो मेरा टारगेट यहाँ से 2730 रुपीज का होगा 1900 का HDFC बैंक का कॉल, और 14 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ से अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन सर ये टायर स्टॉक्स के बारे में क्या कहेंगे, आज चाल पलटी है क्या? ये मैं पलटी शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स तो नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब देखिए अपोलो, सीएट, MRF, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो दिन के उच्चतम स्तर पे हैं, ये इस सीरीज के हिसाब से कैसे लग रहे हैं? अगर मैं थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया लूं यानी कि पूरी एक्सपायरी तक का, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं क्या? टायर स्पेस में देखें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर ही रहा है मार्केट को, और उसमें बहुत अच्छी तेजी का कंटिन्यूस देखने को मिला है पूरी सीरीज में, और वो अभी भी अप ट्रेंड में ही है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो सीएट में एक रिवर्सल फॉर्मेशन अभी देखने को मिला है, आज का ट्रेड भी देखें तो बहुत अच्छा इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक सीएट एक अच्छा बैट होगा इस स्पेस में, और सीएट में मुझे लगता है यहाँ से हमें एक या दो दिन में ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से 1820-1830 तक के टारगेट सीएट में देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है सीएट एक अच्छा बाय है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 1755 का स्टॉप लॉस यहाँ से अडॉप्ट करना चाहिए सीएट में बाय पोजिशन के लिए। इनफैक्ट एक और सेक्टर जिसमें अभी मैं बात कर रहा था, ये बजाज फाइनेंस जैसे स्ट्रक्चर्स अच्छी ग्रिप में दिखाई दे रहे हैं, महिंद्रा फाइनेंशियल एक और स्टॉक जो दिन के उच्चतम स्तर पे है, यहाँ पर कोई भी स्टॉक जो आपका प्रेफर्ड हो या फिर अवॉइड करेंगे स्पेस को, ऑलरेडी तेजी बन चुकी है, कैसे एनालाइज कर रहे हैं स्टॉक्स को? जी मुझे देखिए इस सेक्टर में एक बजाज फाइनेंस भी यहाँ से एक थोड़ा सा रिवर्सल देने के लिए
स्टार्ट हुआ है, जस्ट बाइंग एक्शन देखने को मिला है, बट उससे अच्छा स्ट्रक्चर मुझे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फिनसा लग रहा है। वो स्टॉक में अगर यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाएंगे तो उसमें एक अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिलना चाहिए। 1435-1440 इमीडिएट बेसिस पे टारगेट होंगे श्रीराम ट्रांसपिन में। और स्टॉप लॉस की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। यहाँ से एक स्टॉप लॉस अगर हम एडॉप्ट करना चाहें तो 1380 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ से 1440 के टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। नीरज जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अपना सवाल पूछने के लिए। नीरज जी नमस्कार, स्वागत है सर, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं आइडिया पे व्यू जाना चाह रहा था। एक लॉट मैंने लॉन्ग किया है 98 पे दिसंबर का। अच्छा, ये कितने? 98 के लेवल पे, ठीक है। आप 98, अच्छा व्यू क्या रखते हैं सर? उसी के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस बताया जाएगा। ये इस सीरीज के लिए है या फिर आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं सर अपन उसको, रोल ओवर अभी 4 रुपए के आसपास। इसके साथ ही मेरा एक और सवाल था सर कि वर्तमान लेवल पर BHFL में लॉन्ग पोजीशन की जाए कि शॉर्ट पोजीशन की जाए? दीवान हाउसिंग फाइनेंस, जी हाँ सर, इस पे क्या लॉन्ग किया जाए कि शॉर्ट किया जाए वर्तमान लेवल पर? अच्छा, पहले आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। राजेश जी बताइए आइडिया, 4 रुपए नीचे आ गया इनके खरीद से, लेकिन ये सीरीज के लिए कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर आइडिया सर? देखिए आइडिया का एक स्ट्रक्चर जो है बहुत एक रेंज बाउंड ट्रेड हमें इसमें देखने को मिला पिछले कुछ दिनों से, और स्टॉक अगर देखें तो 90 के आसपास इसका सपोर्ट है और 100 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। तो ये 10 रुपए की रेंज में कंटिन्यूस मूव कर रहा है। और अगर मैं कॉल का डेटा भी देखूं तो 100 रुपीज पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिली है, तो 100 लेवल क्रॉस करना तो डिफिकल्ट लग रहा है इस सीरीज में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये पुलबैक, अगर स्टॉप लॉस अडॉप्ट करना है तो 91 का एक स्टॉप लॉस यहाँ से अडॉप्ट करना चाहिए। ऊपर में पुलबैक एक्शन में जरूर स्टॉक एक बार 96-97 तक आना चाहिए, बट 100 का लेवल क्रॉस करना डिफिकल्ट लग रहा है आईडिया में इस सीरीज में। तो एटलीस्ट दीवान हाउसिंग लग रहा है कि जो बिकवाली थी ऑलरेडी इट्स ओवरडन, बहुत ज्यादा बिक चुका है स्टॉक 594 के स्तर पर, खरीदना चाहिए या फिर बेचकर अभी भी चला जा सकता है सर? जी स्टॉक में पिछले कुछ 4-5 वीक से कंटिन्यूस इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अभी यहाँ पे एक लोअर लेवल पे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट आया है, ये सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट इसका एक 575-580 का है, जो कि एक इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया नियर टर्म ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से। तो मुझे लगता है अगर इसमें सेल करना है का ट्रेड इनिशिएट करना है तो 585 का ब्रेकडाउन होने का वेट कीजिए। पहले अगर ये 585 का लेवल तोड़ता है कैश मार्केट प्राइस के हिसाब से तो इसमें एक सेलिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। नीचे में फिर इसके टारगेट आना चाहिए 555-550 तक के। ऊपर में अभी पुलबैक का वेट करना चाहिए थोड़ा। पुलबैक में ये स्टॉक मुझे लगता है कि 610 के आसपास आएगा, वहां शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। 610 के आसपास आए तो वहां पे 625 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे एक करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर ट्रेड करना है तो 588 का स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग पोजीशन 610 के टारगेट पे कर सकते हैं। अच्छा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 588 का ये एक स्टॉप लॉस लगाएं अगर तेजी की पोजीशन बना रहे हैं तो, नहीं तो वेट कीजिए क्योंकि 608 से 610 की रेंज पे आएगा दीवान हाउसिंग, वहां पर फिर से शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। अभी के हिसाब से सीरीज के हिसाब से स्ट्रक्चर को इतना मजबूत दिखाई दे नहीं रहा है ये, तो या तो बाउंस बैक मिले 610 के आसपास तो आप बेचकर चल सकते हैं, अभी खरीदना है तो 588 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। मेरे साथ प्रकाश जी महाराष्ट्र से इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। प्रकाश जी नमस्कार। प्रकाश जी अदानी पोर्ट है आपके पोर्टफोलियो में? हाँ लिया हुआ है सर। बताइए सर, ये कॉल के जरिए? हाँ कॉल के जरिए लिया है सर, सुबह का कॉल लिया है, 10.80 रुपए पे 2 लॉट लिए। अच्छा, ये बनाया कब था सर आपने सौदा? ये परसों बनाया था सर। अभी भी 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, आज बाजार में तेज खुले थे अदानी। ये देखिए जो तेजी है ना कल के सत्र से शुरू हो गई थी, लेकिन अभी राजेश जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक इवेंट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है अदानी ग्रुप के समूह के स्टॉक्स में, 1.5% ऊपर आ चुका है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये 10-15 रुपए और चलेगा? क्योंकि अगर चल पड़ा तो इनकी जो एक कॉल है ना ये ठीक है, इनको लगभग 13-14 रुपए के आसपास निकलने का मौका दे जाए शायद। जी हाँ, अगर अडानी का अगर हम डेटा देखें तो डेटा में 400 के आसपास हमें एक अच्छी राइटिंग देखने को मिली, तो 400 के आसपास एक बेस तो बना है इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का। सो यहाँ से स्टॉक 420-430 की तरफ मूव आ सकता है। सो इन्हें होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को, और यहाँ से इमीडिएट स्टॉप लॉस की बात करें तो 394 का स्टॉप लॉस यहाँ से अडॉप्ट करना चाहिए। अगर ये 394 तोड़ता है तो इस कॉल में से निकल जाए, अदरवाइज इसके बने हैं। मुझे लगता है स्टॉक 420-430 की तरफ एक बार मूव देगा, वहां पे इस कॉल में इन्हें प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। अच्छा, एक बार ये स्ट्रक्चर देख के बताएं सर SRF कैसा लग रहा है अभी, क्योंकि बीते आधे एक घंटे में एक अच्छी खरीदारी बनती हुई नजर आई है स्टॉक में, यहाँ से अभी और चल सकता है क्या? दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक।
जी अगर हम एस आर एम देखें इंटरनेट बेसिस पे अच्छी बाइंग आया है, बट इसका एक इमीडिएट हर्डल जो है वो 1895-1898 के आसपास जो कि इम्पोर्टेंट हर्डल होता है इस मूव का। तो जब तक स्टॉक लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है, मुझे लगता है कि वापस वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। एक बार ये लेवल क्रॉस होता है 1898 या 1900 क्रॉस होता है तो ये रैली कंटिन्यू रहना चाहिए, और इवन ऊपर में मुझे भी टारगेट यहाँ से 1940-1955 तक के टारगेट यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए 1940 से 1950 तक के टारगेट्स एसआरएफ पे देखने को मिल सकते हैं, एक अच्छा मूव आज के सत्र में देख रहे हैं। मेरे साथ एक और व्यूअर लाइन पे हैं अभी मनीष जी थाने से। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी सवाल पूछिए। जी मेरे पास अभी तो कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन मैं निफ्टी का अगर कॉल खरीदना चाहूँ और तो मुझे चाहिए कौन से स्ट्राइक रेट का लेना है, और अगर मतलब और निफ्टी जा सकती है कि नहीं ऊपर और चांसेस है कि नहीं, लेकिन पूछना है। और दूसरा कोई स्टॉक में भी कोई ऑप्शन कॉल बताएंगे सर अभी तो बेहतर रहेगा सर। ठीक है, अभी तो वो एचडीएफसी बैंक डिस्कस हो ही रहा था इस शो की शुरुआत में, अगर आप जुड़े होते तो एचडीएफसी बैंक की कॉल खरीदने की सलाह थी। लेकिन ये मेरी टीम मेरे को बता रही है आपके पास कोई सौदा तो नहीं है, 10,100 की पुट तो नहीं खरीदी हुई आपने? नहीं, वो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी, पहले थी मेरे पास, कल स्क्वायर ऑफ कर दी। चलिए ठीक है, आप बताएं अगर कॉल के जरिए पोजीशन लेनी हो राजेश जी तो मार्केट के ट्रेंड के साथ ही जाएं, क्या कोई कॉल लेके जाएं या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दीजिए जो इलेक्शंस का आउटकम जो भी हो पैसा देगी, ऐसी कोई रणनीति निफ्टी पे? जी देखिए अभी जो आज का और मंडे का जो मूव रहेगा वो बहुत बहुत कुछ इवेंट पे डिपेंड करेगा और इवेंट के हिसाब से मूव होगा। जैसा हमने भी डिस्कस भी किया है 10,500 एक मजबूत लेवल है जो कि तोड़ना अभी डिफिकल्ट लग रहा है, और हम ऑलमोस्ट 10,500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 100-150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से करंट लेवल जो स्टडी करना चाहिए उन्हें, जो मंडे का फर्स्ट हाफ रहेगा जब ये इलेक्शन के आउटकम आना स्टार्ट होंगे, जो हमें एक्सपेक्टेड है कि एक अपमूव देखने को मिलेगा उस समय, तो यहाँ से बुल कॉल स्प्रेड यहाँ से 10,500 का कॉल लेके 10,600 का कॉल सेल करके बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड किया जा सकता है, जिसमें कि इनके रिस्क भी कम रहेगी और वो जो अपमूव आएगा उसमें प्रॉफिट वहां से बना सकते हैं। नहीं बुल कॉल कौन सी वाली बता रहे हो आप, 10,300 की खरीदनी है, 10,500-600 की बेचनी है, या फिर आप एक बार फिर से आप स्ट्राइक्स बताइए कौन सी कॉल खरीदनी है कौन सी बेचनी है सर? 10,500 की खरीद के 10,600 की कॉल सेल करनी है। 10,500 की कॉल खरीदें 10,600 की बेचें, एक लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल होगा इस स्ट्रैटेजी में, लेकिन अगर तेजी बनी तो ठीक आपको मुनाफा दे जाएगी, गिरावट में कोई इतने ज्यादा नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं सर ऐसी स्ट्रैटेजी में। तो 10,500 की कॉल खरीदें 10,600 की बेचें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बजिंग फ्यूचर्स पर बात करेंगे और आपके सवालों के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइस तो दिला ही रहे हैं आपको एक्सेस सिक्योरिटीज से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और व्यूअर मेरे साथ इस समय लाइन पे हैं, सुशोभन जी कोलकाता से। सुशोभन नमस्कार, स्वागत है सर। हाँ सवाल पूछिए। मेरा सवाल है NITT टेक को लेके। ठीक है, खरीद के भाव में एक लॉट खरीद के रखा है, थोड़ा हायर लेवल की खरीद हो गई सर, मैं फिर भी एक बार पूछ लूं क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है जहां पर आपने ले लिया है ऑलरेडी। बताइए राजेश यहां पर कुछ बाउंस बैक के चांसेस हैं क्या, कट टू कट पे निकल जाएंगे अगर 650 के लेवल पे आ गया वहां तक कुछ प्रोबेबिलिटी है? ये NITT टेक में एक अगर हम देखें तो एक अप मूव जरूर आया था, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चले गए, तो मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन अभी और कंटिन्यू रहेगा, तो इन्हें अगर होल्ड कर सकते हैं तो इसमें टाइम लगेगा एक्चुअली ऊपर आने में, क्योंकि ये स्टॉक में अभी कंसोलिडेशन है जिसका पैटर्न जिस तरीके से बन के आ रहा है उससे लगता है कि मुझे एक दो वीक और इसमें कंसोलिडेशन रहना चाहिए, और नीचे में इसका जो सपोर्ट है मजबूत सपोर्ट है वो 600 के आसपास है, तो हो सकता है और यहाँ से 10-15 रुपए का हमें फॉल देखने को मिले और 600 के आसपास इसमें एक सपोर्ट है, तो अगर ये 600 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहते हैं तो वहां से एक पुल बैक एक्शन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऊपर में पुल बैक एक्शन में 630 और 640 की रेंज में एक पुल बैक एक्शन जरूर आना चाहिए, वहां अगर इन्हें चाहिए तो ये अपना लॉस कम कर सकते हैं, बट इसमें टाइम देना पड़ेगा, 1-2 वीक और लगेगा मुझे। अमर जी मुंबई से इस समय लाइन पे हैं। अमर जी नमस्कार। अमर सुन पा रहे मुझको आप? हाँ सुन पा रहा हूँ मैं। सवाल पूछिए। आवाज आ रही? हाँ मेरा PNB का कॉल दिया है मैंने, 200 की स्ट्राइक प्राइस है। 200 अभी 171 चल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक बोल रहे हो क्या? हाँ पंजाब नेशनल बैंक सर। ये बहुत बाहर की कॉल पैसा पे लिया है मैंने। कितना प्रीमियम पे किया सर? 1.35 रुपीज़। ये 80 पैसे में बिक रही है अभी। नहीं आपकी बहुत महंगी खरीद है सर, ये तो मैं ही बता दूंगी। आप ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि PNB यहाँ से 30 रुपए ऊपर चला जाएगा, वो भी एक्सपायरी खत्म होने से पहले पहले, एक तरीके से गैम्बल हो गया ये। अक्सर इतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं देते हैं स्टॉक्स, पर कोई बहुत बड़ी खबर बैंकिंग सेक्टर पे आ गई, स्पेशली पंजाब नेशनल बैंक पे आ गई ना, तभी ये सौदा प्रॉफिट में कट सकता है। बताइए राजेश क्या करना चाहिए, 1.35 रुपए की खरीद है, 200 की स्ट्राइक इनके पोर्टफोलियो में।
जी बिल्कुल निकल जाना चाहिए, स्टॉक में इतना अप मूव देखने को नहीं मिल सकता, 30 रुपया बहुत दूर का स्ट्राइक है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे फिर ये मंडे ऑनवर्ड इसका प्रीमियम भी कम होने लगेगा, बिल्कुल जीरो के आसपास पहुंच जाएगा, तो जो भी अभी इसमें प्रीमियम बची है उससे निकल जाना ही ठीक रहेगा। और मुझे लगता है जब तक इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट 195 के ऊपर नहीं आता, जब तक ये कॉल के सौदा नहीं खड़ा करना चाहिए, 195 के ऊपर जब ये स्टॉक आएगा, जब इसमें एक अप ट्रेंड के लिए ये स्टॉक रेडी होगा, तो वहीं से इसमें एक लॉन्ग पोजीशन फिर क्रिएट करना चाहिए। अभी कंसोलिडेशन होगा थोड़ा, मुझे लगता है नीचे में और 165-160 तक के लेवल भी नीचे में आ सकता है इस स्टॉक में, तो इसमें से निकल जाना बेहतर होगा। हाँ, एक बार वोलेटिलिटी जो है उसको जरूर देखिएगा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले सोमवार के सत्र में एकदम से अच्छी तेजी के साथ खुल गए पंजाब नेशनल बैंक, तो अपने सौदों में से बाहर निकलने की कोशिश जरूर कीजिएगा। हर्ष जी का एसएमएस लेते हैं, और राजेश जी इनके पास पोर्टफोलियो में है टाटा मोटर्स, एक लॉट ये खरीदना चाहते हैं, इनफैक्ट सॉरी खरीदना चाहते हैं टाटा मोटर्स का, आप रिकमेंड करेंगे टाटा मोटर्स पोर्टफोलियो में मौजूदा स्तरों पर? ठीक है, पोर्टफोलियो में खरीदना है थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदना तो जरूर खरीद सकते हैं, 385 का स्टॉप लॉस यहाँ से रखना चाहिए क्योंकि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बन रहा है टाटा मोटर में, हालांकि हमें इसमें परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस नहीं कर पाया ऑटोमोबाइल पैक को, स्टॉक एक मजबूत हर्डल है इसका जो 420-425 के आसपास हर बार ये स्टॉक वहीं से करेक्ट हुआ है, बट नीचे में जो एक सपोर्ट बेस फॉर्मेशन हो रहा है वो 385-380 के आसपास हो रहा है, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर बाय करना है तो 385 का स्टॉप लॉस अडॉप्ट करना चाहिए, ऊपर में 420 का जब ब्रेकआउट होता है तो और एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, 445-460 के टारगेट भी हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को नहीं, ये पर एग्जैक्टली आज जो खरीदारी हो रही है वो ऑटो स्पेस में हो रही है, स्कॉट्स बजाज ऑटो M&M जैसे स्ट्रक्चर्स मजबूत दिखाई दे रहे हैं, कोई भी स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है क्या अभी? एक्सिस सिक्योरिटीज की किसी भी स्टॉक पर रिकमेंडेशन होगी सर? जी हाँ, मुझे M&M का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि यहाँ से इसे मैं एक बाय पोजीशन में अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूंगा, और इवन हमने एक्सिस सिक्योरिटीज में भी रिकमेंड किया है स्टॉक, तो मुझे लगता है ये यहाँ से 1530 तक के टारगेट हमें M&M में इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, स्टॉप लॉस यहाँ से अडॉप्ट करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए 1455 के स्टॉप लॉस के लिए, 1530 से 1550 तक के टारगेट हमें M&M में देखने को मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन एक ऐसा ट्रेड रोज बताते हैं आपको जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहता है, तेजी बना सकते हैं, आज का सौदा देखते हैं। बता दें आज का सौदा, देखिए आज के सौदे में आप एक बजाज ऑटो को जोड़ सकते हैं अपने साथ, इसके पीछे कई कारण हैं, अब आप एक बार जरा कारण भी देखिएगा, लेकिन ठीक उससे पहले जरा निफ्टी और निफ्टी का आज का दिन भर का मोमेंटम देखिए। आज बाजार ने सुबह सुबह एक गैप अप ओपनिंग की, उसके बाद एक नया हाई क्रिएट किया, उसके बाद थोड़ा साइलेंट हो गया, और अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो एक बार हमने सुबह करीब 9:30-10 बजे के आसपास हाई बनाया था उसको वापस रीटेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ये 336-350 के आसपास एग्जिट पोल का शायद जितना एक्शन था वो आ चुका है, लेकिन एग्जिट पोल से और इस गुजरात के इलेक्शन से थोड़ा सा हटिए। अब जरा बजाज ऑटो पे आइए, इसका जरा पहले चार्ट देखते हैं आपको, बजाज ऑटो के अंदर भी ठीक वैसे ही ये भी मार्केट के साथ चला, थोड़ा शांत रहा, अब ये भी उसी तरह से पोजीशंस पे आके बिल्कुल साइलेंटली खड़ा हुआ है, लेकिन मार्केट और इसमें एक बेसिक फर्क है, अब ये फर्क आप देखिएगा कैसे, पहले जरा कुछ एक पॉइंटर्स दिखाते हैं जिसमें लास्ट पॉइंट आपको दिखेगा कि यहां पे ये चीज बिल्कुल अलग हो जाएगी। पहले जनवरी और दिसंबर दोनों के वादा के अंदर अच्छी खरीदारी है, लेकिन सबसे ज्यादा नोटिस करने वाला पॉइंट था वो था जनवरी, जहां पे 110% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, जोरदार खरीदारी है, किसी भी शेयर के अंदर अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाए विद प्रीमियम यानी कि उसके पैसे उसके दाम के साथ, तो ये मजबूत समझा जाता है, शॉर्ट कवरिंग नहीं बल्कि खरीदारी है। ये पहला पॉइंट था जो बजाज ऑटो की तरफ हमको बार बार लेवर कर रहा है कि इस पर आप ध्यान दें। दूसरा, 3300 की स्ट्राइक की जो कॉल है वो एक्टिव है, शेयर अभी 3240 पे चल रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, यानी 3300 पे जितने भी मंदड़िये खड़े हुए थे वो सिस्टम से बाहर आना चाहते हैं, उनको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद बजाज ऑटो चल ना जाए, इसलिए अपने मंदी के सौदे वो काट रहे हैं। अगर आप तेजी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आपका दुश्मन ही सिस्टम से बाहर हो रहा है, जो कि 3300 की कॉल बता रही है हमको। अब आते हैं इसके तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि कैश डिलीवरी का है, करीब 60% की कैश डिलीवरी, इतना भारी भरकम शेयर, एक ऑटो टू व्हीलर का दिग्गज शेयर, उसके अंदर 60% की कैश डिलीवरी, इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस के पास भी कहीं ना कहीं पैसा और फंड्स होते हैं जो इसमें लगे हुए हैं। अब चौथी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा था कि इस गुजरात के चुनाव से और इसे थोड़ा सा अलग करके, वो है ग्रामीण भारत में ग्रोथ,
तेजी से इसकी मांग बढ़ रही है। अब सरकार किसानों की आय बढ़ाना चाहती है, उनके हाथ में पैसा देना चाहती है। 2019 के अंदर चुनाव है तो टू व्हीलर वाला सेगमेंट वैसे भी गर्म रहने वाला, री रेटेड होने वाला सेगमेंट है, इसलिए भी बजाज ऑटो पे आप ध्यान रखें। ये चार चीजें थी जिसकी वजह से हमको लगा बजाज ऑटो आपके सामने रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको सौदा आज या कल तक के लिए ही रखना है तो इसलिए 3280 रुपए तक का टारगेट रखें आप, इसमें 3238 का एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें रख सकते हैं। तो बजाज ऑटो आज का सौदा होगा, ये 48 घंटे के हिसाब से तो 3280 है, लेकिन वैसे एक पोजिशनल ट्रेड भी लेना चाहे तो वित्तीय सलाहकार से पूछेगा जरूर। चलिए तो बजाज ऑटो पे फोकस रखिए, आज का टारगेट है 3280, ये आज और कल तक के लिए कॉल दी जा रही है। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है वो बहुत जरूरी है, 3238 से 40 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और वैसे भी अभी राजेश जी बोल रहे थे कि ऑटो शेयर्स पे अच्छी पकड़ है और ये तेजी भी और बढ़ सकती है। तमाम सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो तेज हैं, बजाज ऑटो और एमएनएम जैसे स्टॉक्स में आज मूव पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ नजर आया। राजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मार्केट्स टॉप 20 आप देखते रहिए।